और ये मार्केट का खुलने का टाइम है रात के 3 बजे, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं सुबह के 3 बजे। 3 बजे से यहाँ पर पब्लिक आनी शुरू होती है और भारी भारी मात्रा में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, बहुत दूर दूर से आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं। ये गाड़ियों का सीन ये है कि किसी और शहर से आई हुई है, जहाँ पर कई छोटे छोटे व्यापारी इकट्ठा होकर गाड़ी बुक करते हैं और वो सब लोग मिल के अपनी अपनी चीज़ों को, मनपसंद चीज़ों, जिसको किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें लेके एक गाड़ी में भर के लेके जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद अपनी अपनी सामान को डिवाइड कर लेते हैं। मार्केट तो बहुत बड़ा है, ये सिर्फ हम लोग अभी 409 नंबर देख रहे हैं आप। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 1000 से भी ज़्यादा काउंटर हैं, जो 1000 एक काउंटर का लगभग रेंट बता रहे हैं लोग यहाँ पे, जहाँ पे ना दीवार के अलावा कुछ भी नहीं है। 1-1.5 लाख रुपये का रेंट है, एक व्यापारी एक एक जगह का रेंट देता है, देख सकते हो आप। लेबर और व्यापारियों से भरा हुआ यह मार्केट, यहाँ पे छोटे मोटे क्लाइंट तो आते नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट ही आते हैं। हर तरह के फ्रूट मिल सकते हैं आपको, अगर बहुत सारे व्यापारी तो ऐसा भी करते हैं जो यहाँ से फ्रूट्स लेके मार्केट लगभग 12 बजे तक यहाँ से क्लोज हो जाता है और यहाँ से लोग उठाने के बाद जो बची चीज़ें होती है वो बाहर की तरफ मार्केट में लगा लेता है और उसी को डबल के रेट में बेचते हैं, नहीं डबल तो डेढ़ के रेट में बेच डालते हैं। लोकल यहाँ पर जो आते हैं फुटकर के सामान लेने वाले लोग, वो अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं और इन लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ के लेबर लोग लगभग दो टाइम काम करते हैं, 3 से लेकर 12 बजे तक, और मुझे लगता है 12 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। हम आ चुके हैं फ्रूट मार्केट, ये मुंबई के दूसरी पार्ट यानी नवी मुंबई में स्थित है और यहाँ बोला जाता है कि यहाँ लगभग 22 स्टेट से यहाँ पर पूरे फल फ्रूट्स आते हैं और यहाँ पर तरह तरह के फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं आपको। और यह मानना यह है कि मार्केट के रेट से यहाँ पे लगभग आधे के डिफरेंट है। अगर सपोज कर लो 200 रुपये की चीज़ें बाहर बिक रही है तो यहाँ पे लगभग 100 रुपये में मिल जाती है, लेकिन बस सिस्टम यह है कम से कम 10 किलो या एक पेटी के हिसाब से लेना होता है। और आप अभी देख रहे हो कि अभी माहौल चल रहा है मलेरिया और डेंगू का, तो उसके लिए एक प्राकृतिक ने हमें फल दिया है जिसको खाने से बहुत जल्दी आराम हो जा रहा है। ये है वो फल, उस फल का नाम तो नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर भी ये फल देख सकते हो कितना खतरनाक रूप में है और थोड़ा सा लुभावना भी है। तो ये खाने से लगभग लोगों का बीमारी तकलीफ ठीक हो जा रही है, डॉक्टर भी यही सचेत कर रहे हैं कि यही खाओ। देखो कितनी भारी मात्रा में बिक रही है चीज़ें।